वंदामी आदरणीय भंते जी। हाँ नमो बधाई, सुखी हो। भंते जी, बाय प्रोफेशन मैं तो डॉक्टर हूँ, और अभी जो सुना तो कभी कभी हमको अबॉर्शन का एडवाइस देना पड़ता है। बेबी का ग्रोथ अगर अच्छा नहीं है, या कभी कभी पेशेंट्स ऐसे हालत में होते हैं कि हमें मतलब ऐसा बोलना पड़ता है कि वो अगर मर मतलब कि ऐसा अंतिम समय आ जाए तो अच्छा हो जाएगा, तो फिर उस समय हमें क्या करना चाहिए? दीदी, पहले तो आप डॉक्टर ठीक हैं? आपके मन में व्यक्ति को बचाने का भाव अधिक है या मारने का भाव अधिक है? के बचाने का। कल्याण के लिए कुछ बता रहे हो ना, तो आपके लिए धर्म में भिन्नता आती है। डॉक्टर के ये कर्मों को सबसे पहले उसके चेतसिक चेतना से देखा जाता है। अतीत में कई डॉक्टर होकर गए, जैसे अपुत्तिक सेठ के बारे में जो बताया गया था, तो उसने जब कभी डॉक्टर था तो अपुत्तिक ने अपने भाई के बेटे को मारने का उस तरह से भाव रचा, तो वो भाव हुआ जो हमारे अनिरुद्ध, क्या अनिरुद्ध नहीं, महापंत बंति, चूल पंत बंति, जो धम्मपद की जो पहली कहानी है जिनके बारे में है, कि जो अंधे हो गए थे, आंख अंधी हो गई थी, तो डॉक्टर ने ऐसी दवाई दी कि इसकी आंखें खराब हो जाएं। आंखें खराब होने मात्र से नहीं, पर खराब हो जाए ये चेतना देने के कारण उनकी भी आंखें अर्हत होने के बावजूद भी अंधी हो गई। तो चेतना आपके लिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। आपके पेशे में जो चीजें आती है, जो आपको डॉक्टर होने के कारण जो जो चीजें बताई जाए वो सीमा में आप कर सकते हैं जो कुछ, इसका ओके। नहीं, मतलब क्योंकि बंटी जी उस टाइम तो हमें भी बुरा लगता है, बट हम जैसे कि नहीं बोल सकते बिकॉज बेबी का हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा या कोई पेशेंट ठीक नहीं हो पाएगा, तो हमें कुछ ऐसा बोलना पड़ता है। तो दिल से तो दीदी, यही मैं रहता है कि इसीलिए वो आपको बता रहा हूँ, हमको पता है वो है करके, पर उसे वो केवल और केवल, क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो उस समय आप जो सही समझते हैं, क्योंकि डॉक्टर के मन में कभी, यानी वास्तव में जो है उनके मन में कभी ऐसी भाव नहीं आएगी कि उनका पेशेंट सफर करे या तकलीफ में हो या कोई ऐसी उन्हें पीड़ा हो जो उन्हें जीवन भर दोष देने के लिए बाधित कर पाए। हम उसको समझ सकते हैं दीदी। तो आपके लिए जो डॉक्टर का कार्य करना है वो आप करते रहे, अधिक कर्म के बारे में, क्योंकि आपका तो, क्योंकि आप फिर तो लोगों को काटते भी हैं, उससे भी उनको तकलीफ होती है, फिर क्या कहोगे कि आज आपसे आप ऑपरेशन करना बंद कर दोगे लोगों का? नहीं, कई बार आप ऑपरेशन करते समय आपके हाथों से लोग मर जाते हैं, आप क्या कहोगे? कई बार ऐसा भी होता है ना कि यदि आप महिला जी स्त्री जी विभाग में है और वहां पर यदि सिजेरियन हो रहा है, ऐसे समय में होते समय भी अधिक ब्लड लॉस के कारण यदि मर जाए तो आप क्या कहोगे? तो मृत्यु, डायरेक्ट मृत्यु, आप तो एडवाइस नहीं दे रहे, वहां तो आपके हाथों से मरा है कोई, आप उसे क्या कहोगे? जी जी उस समय आपका वो कर्म कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके मन में वो चेतना नहीं है, वो चेतना नहीं है आपके मन में, इसीलिए उस तरह से मत देखिए। आपका ध्येय जो है वो श्रेष्ठ है। ये जो प्रश्न दीदी पूछ रही है ये केवल उस पेशे से संबंधित है। जो सुनने वाले लोग हैं, हमेशा ध्यान रखो कि जो भौगोलिक प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम उन व्यक्तियों से रिलेट करते हैं, सबसे नहीं। तो ये जो है कि नहीं भाई उपदेश दे देना कि हाँ ये चीजें ठीक है, वो बाकी सबके लिए नहीं, वो दीदी के लिए है कि हाँ यदि ये डॉक्टर है पेशे से तो इनके लिए जो बांधे चीजें हैं वो कर सकती है। ठीक है, तो आप थैंक अपने यू पेशे के साथ साथ मैत्री के साथ काम करते रहिए। तकलीफ में वाला भी हो पर भी मैत्री के साथ करते रहिए, तो आपका जो पुण्य है वो सामान्य लोगों से अधिक है। दीदी थैंक यू, साधु साधु, थैंक यू सो मच भंते जी, साधु साधु। और कोई ठीक है? हाँ वंदामी आदरणीय भंते जी। सुखी हो, मंगल हो। आदरणीय भंते जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे निघंटनाथ पुत्र जी थे जो, मतलब उनके हाँ पुण्य क्रम इतने नहीं थे कि मतलब बुद्ध काल में होते हुए भी वो बुद्ध को समझ नहीं पाए, और इतने सारे फॉलोवर्स मिथ्या उनके और आज भी हैं। दिट्ठी जो है, तीन प्रकार के उपादान जो बताए उसमें दिट्ठी उपादान जो बताया गया है वो सबसे घातक है, बहुत विनाशकारी है। इस दृष्टि से गत होने के कारण ही वह बुद्ध की वाणी को नहीं समझ पाए। हम लोगों ने पिछली बार अगण्य सूत्र, अखंड सूत्र के ऊपर चर्चा की, उसमें भगवान ने क्या कहा कि व्यक्ति मनुष्य लोक में जन्मा है, बुद्ध के सामने खड़ा है, पर क्या कहा है,
सोच होती मिच्छा दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि है। तो मिथ्या दृष्टि का आदमी को धर्म का लाभ नहीं हो सकता। इसीलिए जब भी पुण्य करो तो कोशिश करो कि ये मिथ्या दृष्टि मुझे ना मिले करके। पुण्य का विपाक यदि इतना भी कह दो कि मैं मिथ्या दृष्टि से परे हो जाऊं, उतने मात्र से बुद्ध की शरण मिलेगी आपको, उतने मात्र से। क्योंकि मिथ्या दृष्टि, लौकिक मिथ्या दृष्टि जो है वो भी खत्म होनी चाहिए। लोकोत्तर सम्यक दृष्टि तो प्राप्त होना है, तो उसके लिए केवल बुद्ध ही चाहिए। पर लौकिक सम्मा दृष्टि, जो लौकिक सम्मा दृष्टि वो जो है वह पारमिताओं की पूर्ति के साथ साथ की जा सकती है। तो निघंटनाथ पुत्र में ऐश्वर्य का भाव था, प्रसिद्धि का पुण्य था, ये सारे पुण्य थे, परंतु मिथ्या दृष्टि भरी हुई थी। उस मिथ्या दृष्टि के कारण आगे बढ़ पाना असंभव। जी आदरणीय बंते जी, बंते जी एक प्रश्न और पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। आदरणीय बंते जी, जैसे मार है, तो मार कभी मुक्ति के लिए कार्य नहीं करती, मतलब उसको दिखता नहीं कि भगवान बुद्ध इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, या मतलब धर्म भी बता रहे हैं, और मतलब तो कभी मतलब वो मुक्ति नहीं पा सकता कभी मार? मार जी मार स्वयं मुक्ति पा सकते हैं। समझा नहीं आदरणीय बंते जी। मार यानी मार को क्या कहा है? वसवत्ति कहा है, ठीक है। वसवत्ति यानी सबका राजा, जहां तक काम धातु है उन सबका राजा है मार, ठीक है। तो जी अपने राज्य से बुद्ध बुद्धत्व प्राप्त करने से पहले मार रोकने की कोशिश करता है ना निरंतर, कि जी ना हो पाए। क्यों? क्योंकि अपने राज्य से कोई यदि बाहर चले जाए तो अच्छा नहीं उस राजा के लिए, तो इसीलिए कोशिश करता है कि रोक दे। पर जब उसका, क्योंकि राज्य है, राजा है वो, तो उसको वो कर्म के अनुसार मिला हुआ फल है। राजा दिव्य जो मार है वो देव पुरुषों में गिना जाएगा, क्योंकि उसी के राज में ही सारी चीजें आती हैं। चार अपाय भी उसी के राज्य में है, मनुष्य लोग उसी के राज्य में है, देव लोग उसी के राज्य में, ब्रह्म लोग उसी के राज्य में है, इससे परे नहीं है कोई, उन सबका राजा है मार। लो मार जो है, तो वो राजा भी कर्म के अनुसार पैदा हुआ है। तो कर्म जब तक है तब तक वो राजा रहेगा, उसके बाद वहां से यदि उसके मन में चेतना जागती क्या हो, मुझे भी इस ऐसे बुद्ध शासन में जन्म का मौका मिले और मुक्ति पा लूं, तो वो राजा भी परे बाद में बुद्ध शासन में आकर वह मुक्त हो सकता है। उसका सबसे सुंदर उदाहरण यदि देना है तो आपने हमारे अरहंत मुनि जो है महा मुगलान मंदिर जिनका नाम सुना होगा, सुना है क्या जी कहते हैं कि हे मार, दूसरी मार, तू मेरे मौसी का यानी बहन का लड़का है करके कहते हैं ना, है ना। यानी इसका मतलब है कि मार भी जो हमारे मुगलान मंत्री जी भी है, किसी जन्म में मार रह चुके हैं, है कि नहीं। तो वह तो धर्म से मिली हुई पदवी है, तो धर्म से मिली है, ऐसा नहीं कि अधर्म से। मार बनना तो ऐश्वर्य, यानी मार बनना ये तो उसके पुण्य का फल है। उसे तो केवल वो शासन करने की आज्ञा मिली है, शासन राज्य करने का राजस्व मिला है, उसका ऐश्वर्य है वो, तो वो है। उसके समय के बाद यदि उसके जीवन में उस पुण्य चेतना से आए तो वह अपने आप एक समय पर आकर मुक्ति को पा सकता है। कई सूत्रों में भी ऐसा आता है कि जिसमें मृत्यु लोक के जो देवता यमराज स्वयं कहते हैं, पूछते समय चार देवदूत जो बताए तो वो देवदूत याद दिलवाते हैं और फिर वह कहते हैं कि भला काश ऐसा हो कि मैं इस लोक से च्युत हो जाऊं और मनुष्य लोक में जाऊं जहां बुद्ध का शासन और धर्म को सुनो और मुक्त हो जाओ करके। ये चेतना जैसे जैसे जो लोग जो इस पुण्य कायिक लोग जो प्राप्त करते हैं ना, इसका फल उन्हें मिलता है, तो मार भी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उस काया में नहीं कर सकते, उस शरीर में नहीं कर सकते, क्योंकि वो शरीर, वो जो काया बनी है, उसका पुण्य का विपाक जो है वो उसी के लिए बना है कि वो राज्य कर पाए। जैसे देवों का राजा देवेंद्र है, शक्र जो है, ठीक है, तो ये शक्र जो है ये देवों का राजा बनना ये उपाधि है। यदि उसका पुण्य वहां से समाप्त हो जाए, वहां मरकर मनुष्य लोक में जन्म ले ले, तो कोई नया जो राजा बनेगा वो भी देवेंद्र ही कहलाएगा, वो भी शक्र ही कहलाएगा। ऐसा है, क्यों? क्योंकि वो पुण्य से मिलने वाला भाव है, तो वो संभव है, हो पाएगा, ठीक है। तो ये लोग भी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं।
परंतु अपने धर्म से अपने न्याय से बने हुए हैं। तो इसीलिए जैसे सिंपल सा काम कर लो कि पुलिस ऑफिसर जो है वो कैसे कार्य करता है, वो अपने इसमें बंधा हुआ है, ड्यूटी में बंधा हुआ है, उस वो ड्यूटी के परे नहीं जा सकता। यदि उसको ऑर्डर है कि यहाँ से किसी आदमी को बाहर नहीं निकलने देना है, तो वो उस वहां से किसी को बाहर नहीं निकलने देगा। क्यों? क्योंकि उससे वो बंधा हुआ है। वैसे ही मार ये जो पद है, ये भी इस शासन इसमें बंधा हुआ इससे है कि बना। राज्य। बस ठीक है, जी और आदरणीय कुछ? बंते जी, बहुत सुंदर से बताया, साधु साधु साधु। वंदना भी बनते जी, सुखी हो, मंगल हो। बनते जी मेरा जो लड़का है वो जन्म से, मतलब 22 साल का है लड़का, तो वो जन्म से कुछ प्रॉब्लम समस्याएं हैं। तो ठीक है, अब धम्म की बातें तो सुनता है मगर आचरण में तो प्रैक्टिकल तो कुछ कर नहीं सकता। तो वो ऑटिस्टिक चाइल्ड, जैसे जो ऑटिज्म बोलते हैं उसको, वो उस तरह के सिम्टम्स है कि ठीक जैसे है, उसकी सीमित दुनिया है वो जैसे हमको जानता है या हमारे काम करने वालों को जानता है, तो उसकी दुनिया वही है। बाकी वो सोशल रिलेशन या बाहर की दुनिया में क्या है वो उसको कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन ठीक है, मैंने उस समय ध्यान बहुत किया था, मतलब गुरु जी के साथ मैंने विपश्यना ली थी 1996 में, और 2002 का उसका बर्थ है। तो गुरु जी के जो, उसने कभी भी कोई शिविर नहीं किया, वो कर ही नहीं सकता, लेकिन जो हाँ सत्य पठान शिविर है उसको वो बड़ी गंभीरता से सुनता है, तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है। तो ठीक है, अच्छा है। धर्म का बल तो नहीं है, लेकिन अब वो कैसे शिविर, कैसे हम उसके लिए कैसे क्या करें, थोड़ा सा मार्गदर्शन। हाँ, ऑटिज्म ये जन्मजात भाव है, यह हाँ हाँ रिवर्सेबल है, यह आपको अच्छे से मालूम है दीदी। इसको हाँ रिवर्स करना यानी संभव नहीं है। तो उसका जो जीवन है, क्योंकि कर्मानुरूप कहा है भगवान ने, कर्मस्तकोमी कहा है, हम जो है कर्म से निर्मित है, कर्मदाया दो, हम अपने कर्म का फल भोगेंगे। तो आज जो बना हुआ है ये उसके कर्मों का फल है, आज जो कर्म करेगा इसी को वो आगे भोगेगा। तो आपके लिए करणीय कार्य है कि ये जो कर रहा है उसके लिए उसकी सहायता करें। ठीक है, इनका स्वभाव बड़ा कभी कभी बार क्रोधी होता है, कई बार तकलीफ देने वाला होता है, कई बार माता पिता स्वयं भी बेयर नहीं कर पाते। क्योंकि मैं कई हॉस्पिटल्स में गया हूँ, इन लोगों से मिलने के लिए गया हूँ, तो कई बार दया भी आती है, कई बार उनके प्रति मैत्री ही जागनी चाहिए हम लोगों को। वो है हमारे यहाँ, मेरे यहाँ 2-3 लोग आते हैं शिविर के लिए, तो उनमें वो बताते, वो टीचर हैं तो मोस्टली बताते रहते कि बंदी जी ऐसा हुआ, क्रोध मैंने रोक नहीं सकते, इतना भाव है, तो उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आता। तो आपका बेटा वो समझ सकता है, ये अच्छी बात है। उसके हाथों से जितना दान धर्म हो वो करवाते रहे, उसके हाथ, वो जो सुन रहा है वो तो श्रवण इंद्रिय से जितना कुछ धारण कर सकता है ठीक है, पर भौतिक रूप से जो जो कर सकता है, तो जैसे आप कुछ भी दान दे रहे हैं, बाहर कुछ भी दे रहे हैं, तो उसके हाथ को छुए बगैर ना दे, कि उसके मन में मतलब ना आगे उसके मन में वो चेतना नहीं आएगी कि दान देना है, क्योंकि उसे पता है, नहीं पता है नहीं मालूम उसकी स्टेज के अनुसार। पर यदि उसमें ये चेतना है कि मैं दान दे रहा हूँ, तो यानी आपका तो कल्याण हो गया ऐसा समझो। यदि वो कर सकता है दान, आप उसे प्रेरित करो दान के लिए। ऐसा नहीं कि दान के लिए धन की आवश्यकता है बहुत, नहीं, जितना भी है, एक सिक्का भी किसी को दे रहे हैं तब भी उसके हाथों से देने के लिए बताओ, या फिर वो उस दान में संबंधित हो। आपके घर में यदि वो खाना खा रहा है, यदि कोई दूसरे को, कई बार देखा है मैंने कि यदि कोई खाना खा रहा है, तो इनमें ऑटिज्म के बच्चे खुश भी होते हैं दूसरे को खाना खाते देखकर, तो ऐसा भाव है, तो वो भी करके देखो जितना पुण्य उसके हाथों से हो सकता है। क्योंकि कम्म दाया दो कहाँ है, आज जिस कर्म को करेगा उसका फल भोगना है, तो वह तो कर्म का विपाक है, उसे हम बदल नहीं सकते, पर आज के बाद आगे हमें क्या करना है उसको हम कर सकते हैं। तो आप उसके प्रति मैत्री करें, जब तक वो धर्म सुनता है सुनने दीजिए उसको आप बढ़िया से, और साथ साथ में पुण्य के कार्य को करने के लिए प्रेरित भी करें। ठीक है, सभी श्रद्धा पूर्वक है जुड़ना है। ओकासु वंदामि भन्ते मया कतं पुण्यं सामिना अनुमोदितव्यं, साधु अनुमोदामि। सामिना कतं पुण्यं मह्यं दातव्यं, साधु अनुमोदित, साधु साधु अनुमोदामि।
ओकाशद्वारतेन कथं सर्वम् अच्चयन् खमथमे भन्ते ओकाशखमामिभन्ते खमामि। ओकाशखमामिभन्ते तृतीयमपि ओकाशखमामिभन्ते। खमामि खमामि सुखीनि दुःखानि रोगावन्तु निब्बानं पच्चयोतु सुखी। साधु 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 बुद्धगम। क्षमाचना करिए। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कथम् अच्चयं खममे भन्ते भूरिपण्यतथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कथम् अच्चयं खममेदं सन्दिट्टिककालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कथम् अच्चयं खममे सङ्गपुण्यं कीर्तनमनुत्तरम्। साधु साधु साधु। सा